दिस इज़ द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रूशल कॉन्वर्सेशन. टोटल 7 है और ये लास्ट वन है. मूव टू एक्शन. अभी तक हमने सो फार ये सीख लिया कि किस तरह से हमने क्रूशल कॉन्वर्सेशन में एंटर होना है, फिर हमने किस तरह से सेफ बनाना है, सेफ्टी को इंश्योर कैसे करना है, हमने कौन कौन से लिसनिंग टूल्स यूज़ करने हैं जिसके थ्रू हम सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं या जिसके थ्रू हम एक हेल्दी डायलॉग कर सकते हैं. ये टूल्स हमने सारे सीख लिए हैं. बट ये जो टूल हमने अभी सीखे हैं या हमने डिस्कस किए हैं उस क्रूशल कॉन्वर्सेशन में, ये टूल्स वो हैं जो कि डायलॉग में रहने के लिए ज़रूरी होते हैं. क्रूशल कॉन्वर्सेशन का लास्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि डायलॉग से आगे भी एक चीज़ होती है, दैट इज़ द फाइनल डिसीजन. जो फाइनल डिस्कशन, जो हम डायलॉग्स कर रहे होते हैं क्रूशल कॉन्वर्सेशन में, वो हमारी डिस्कशन होती है. लेकिन हम ये समझ लेते हैं डायलॉग करते हुए कि हमने अपना ओपिनियन दे दिया, अपना जो हमने पूल ऑफ मीनिंग का एक टर्म डिस्कस किया था, हमने अपना मीनिंग जो है उस पूल में ऐड कर दिया. तो दैट मीन्स कि हमने डिसाइड कर दिया कि क्रूशल कॉन्वर्सेशन जो हमारी है इसका एंड क्या होना है. लेकिन अपनी राय दे देने से या अपना मीनिंग उस पूल में ऐड कर देने से डज नॉट मीन कि आप ये भी डिसाइड करोगे कि डिसीजन किसने लेना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्रूशल कॉन्वर्सेशन हो रही है पेशेंट की फैमिलीज के साथ, एक होस्ट ऑफ आइडियाज़ जनरेट होता है, एक मल्टीपल वो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, पेशेंट्स अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, एक आइडिया जनरेट हो जाता है एंड उसकी बेस पे ये डिसाइड कर लेते हैं, जो कि अनक्लियर एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, हम ये डिसाइड कर लेते हैं फैमिलीज भी और पेशेंट भी कि यही फाइनल डिसीजन है. बट ऐसा नहीं होता, वो तो अभी आपने एक डायलॉग किया होता है, डिसीजन की तरफ नहीं आए होते. एक फ़ाइनल जो रिज़ल्ट होता है, फाइनल जो कंक्लूजन होता है, उसकी तरफ नहीं आए होते. तो उसके लिए हम मूव टू एक्शन का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जो हमें कहता है कि हमें सिखाता है कि हाउ टू टर्न आवर क्रूशल कॉन्वर्सेशंस इनटू रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स. अभी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे फैमिलीज और पेशेंट की. इसमें दो गलतियां करते हैं, दोनों एंड से आती हैं, फैमिलीज भी करती हैं मिस्टेक और पेशेंट्स भी. एक तो गलती ये होती है फैमिली के एंड से भी और पेशेंट के एंड से भी कि एक अनक्लियर या वॉयलेटेड एक्सपेक्टेशन हम लगा लेते हैं कि हमने डायलॉग कर लिया तो दैट मीन्स कि ये हमारी कन्वर्सेशन कम्प्लीट हो गई है या ये हमने क्रूशल कॉन्वर्सेशन कर ली है. एक ये गलती होती है. या सेकंड मिस्टेक ये होती है कि हम एक वी डू अ पुअर जॉब ऑफ एक्टिंग ऑन डिसीजंस वी मेक. कि जो हमने डिसीजन बनाया होता है या जो हम सोच हमारे माइंड में होता है कि हमने ये डिसीजन बना लिया है, हम उसकी जो एक्ट आउट ही बहुत बुरे तरीके से कर रहे होते हैं या हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हमारा डायलॉग है या ये हमारा डिसीजन है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट कि ये हमने एक डायलॉग किया है और उसका डिसीजन अभी हमने लेना है. इस प्रिंसिपल में एक टर्म यूज़ होती है, उसको कहते हैं डिसाइड हाउ टू डिसाइड. इस टर्म के बारे में कोई बता सकता है ये क्या होती है, मतलब क्या इससे क्या समझ आ रहा है, डिसाइड हाउ टू डिसाइड. तो लेकिन जब हम क्रूशल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, हम अपना मीनिंग ऐड कर रहे होते हैं उस पूल में, हम अपना ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि डिसीजन क्या होना है या डिसीजन किसने लेना, राइट. ये लास्ट प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इसमें ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायलॉग इज़ डिफरेंट एंड डिसीजन मेकिंग इज़ डिफरेंट. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. उसके बाद न्यू चैलेंजेस आते हैं. एक पहले तो हमारे पास चैलेंज ये था कि हमने सेफ्टी को इंश्योर करना है. अगर अगला बंदा साइलेंस या वॉयलेंस की फॉर्म में जा रहा है तो हमने मेक श्योर करना है कि वो साइलेंस या वॉयलेंस की फॉर्म से हम उसको बाहर निकालें, या अगर हम जा रहे हैं तो हमने अपने ऊपर वर्क करना है. ये चीज़ पहले हम इन चैलेंजेस से गुजर रहे थे कि हमने अपना मीनिंग जो है उस पूल में किस तरह से ऐड करना है. लेकिन इस नेक्स्ट जो जब एंडिंग हो रही होती है ना कन्वर्सेशन की, तो न्यू चैलेंज ये होता है कि अब हमने किस तरह से रिजल्ट्स जनरेट करने हैं, हमने किस तरह से एक फाइनल डिसीजन के ऊपर आना है, कौन डिसाइड करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, फैमिलीज एंड पेशेंट्स आपस में क्रूशल कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो अब ना फैमिली ये पूछती है और ना पेशेंट ये पूछता है कि फ़ाइनल डिसीजन किसका होगा, आपकी जॉब क्या होगी, आपके करने वाले काम क्या होंगे, मेरे करने वाले काम क्या होंगे. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये तब कॉम्प्लिकेशन आती है जब आप मान लेते हो, ये एक प्रॉब्लम होती है कि आप मान लेते हो कि येस आई विल फॉलो, मैं आपकी लीड को फॉलो करूँगा, या फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो स्टैंड्स हैं मैं फॉलो करूँगा. बट आप इस चीज़ पर एग्री कर लिया, येस आई विल फॉलो ऑल द स्टैंड्स, लेकिन स्टैंड्स के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, राइट. तो आपका उन चीज़ों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है फिर कि ये वाला स्टैंड तो मैंने, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे अब आगे पता चला है कि ये स्टैंड भी फॉलो करना है. यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट आता है. तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है. कुछ डिसीजन मेथड्स होते हैं कि हम वो डिसीजन मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्रूशल कॉन्वर्सेशन में, कि जिनके थ्रू हम इस कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं. कि डायलॉग इज़ नॉट डिसीजन मेकिंग, हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमने बात अपने पूल में पूल ऑफ मीनिंग में ऐड की है वो हमारा एक डायलॉग था, वो हमारा डिसीजन नहीं था, ठीक है. बिगनिंग्स जो होती हैं कन्वर्सेशन की वो रिस्की क्यों होती हैं,
इट्स रिटन हियर कि बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ कन्वर्सेशंस आर रिस्की. जो स्टार्टिंग होती है कन्वर्सेशन की वो मुश्किल क्यों होती है या रिस्की क्यों होती है एक क्रूशल कन्वर्सेशन की? एक पॉइंट ये है कि वो कन्वर्सेशन किसी भी एंड पर जा सकती है, यू नेवर नो. कोई भी हम साइलेंस या वॉयलेंस में जा सकते हैं, यस. लड़ाई हो सकती है, यस. जो नेक्स्ट पार्टी है वो कौन सी स्टोरी के साथ बैठे हुए हैं अपने माइंड में, जो उनकी स्टोरी चल रही है उनकी स्टोरी क्या है हमें ये नहीं पता होता. तो जो बिगनिंग्स होती है ना कन्वर्सेशन की वो इसीलिए ट्रिकी होती हैं, वो इसीलिए रिस्की होती हैं क्योंकि उस टाइम पर हमें फिक्र होती है कि हमने उस कन्वर्सेशन को सेफ बनाना है किसी भी तरह से, अपने लिए भी और नेक्स्ट पार्टी के लिए भी. जो एंडिंग होती है कन्वर्सेशंस की ये क्यों रिस्की होती हैं? मतलब हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो अपना ओपिनियन दे दिया, हमने तो जो हमारे माइंड में था हमने बता दिया, तो इसका मतलब एक डिसीजन भी हो ही गया. इसका मतलब ये कन्वर्सेशन एंड नहीं हुई है ना, वो मिड है कन्वर्सेशन का, कि आपको एक बात बाद में याद आई है तो आपने वो बोल दी है. दैट मीन्स कि अभी तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि जो अदर पार्टी है इधर ही इज़ इन साइलेंस और वॉयलेंस. आई थिंक वॉयलेंस. तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो साइलेंस से बाहर आए. जो लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ लिसनिंग टूल्स, कि जिन लिसनिंग टूल्स के थ्रू आप उनको मेक श्योर करवा सकते हो कि येस यू कैन बी कम्फर्टेबल विद मी एंड यू कैन शेयर योर स्टफ़ हियर, राइट. वो अगर आप लिसनिंग टूल्स अप्लाई करेंगे वन बाय वन, जैसे मिररिंग हमने किया था, लास्ट रिजॉर्ट जो हमारे पास था वो प्राइमिंग का था, जिसमें हम प्राइम करते हैं, गेस कर लेते हैं. अगर वो बंदा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल ब्लैंक है, तो हम गेसिंग की तरफ आ जाते हैं और गेस करते हैं. फिर इस तरह से उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं कि वो फिर ओपन अप हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता. नहीं, इट इज़ अ गुड डील, इट्स नॉट अ बैड डील. आप अगर वो डायरेक्ट उस पॉइंट पर आना चाह रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि लेट्स जस्ट अभी थोड़े इजी क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछ लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन हम आगे की तरफ जाएंगे. आप उनको ये बता सकते हो, असर्ट कर सकते हो उनको, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. इससे उनको भी थोड़ा वो ईजी हो जाएंगे अगर वो बहुत मे बी वो इतने ज़्यादा सीरियस हुए हुए हैं कि वो डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं. मतलब उनकी स्टोरी आपको नहीं पता ना, लाइक उनके माइंड में क्या चल रहा है यू डोंट नो, उनकी परसेप्शन क्या है या उनकी अजम्पशंस क्या है वो आपको नहीं पता. तो उसके लिए भी इस तरह वो भी इजी हो जाएंगे, वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे थोड़ा सा, और आपके लिए भी आसान हो जाएगा कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना. तो यू कैन से दिस क्रूशल कन्वर्सेशन एक दफ़ा सेफ एग्जिट लेने से नहीं हो जाती है. ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एक ही गो में हम क्रूशल कन्वर्सेशन कर जाएँ, ऐसा नहीं होता. अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको स्टेप आउट करना पड़ता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स अगला बंदा स्टेप आउट कर जाता है. You always have to step in back again and again until and unless कि आपको ये फील ना हो जाए कि अगला बंदा कंफर्टेबल है. नहीं, आप बता सकते हो कि आई थिंक यू आर गेटिंग एग्रेसिव, प्लीज़ डोंट डू दिस, आई थिंक वी शुड एंड अप हियर, हमें कन्वर्सेशन एंड कर देनी चाहिए. ऑफकोर्स बिकॉज ही नोज द टूल्स, उसके पास पूरा एक टूल किट है कन्वर्सेशन में एंटर होने के लिए. तो एक बंदा जिसके पास टूल किट है और एक बंदा विदाउट टूल किट है, तो कौन ज़्यादा एडवांटेज में है? तो फिर जिसके पास कन्वर्सेशन की स्किल्स हैं, अगर वो अगले बंदे को सिखाने की कोशिश करे, पेशेंस इज़ द की इसमें कन्वर्सेशन में. बातचीत करना एकदम से ही गुस्से में आके ये सब कर लेते हैं, हर कोई फौरन से गुस्से में आ जाता है. तो आप सिखा तो नहीं रहे, आप उनको बता रहे हैं कि इस तरह से होता है. आप पेरेंट्स भी यहाँ पे सीख रहे हैं कि किस तरह से क्रूशल कन्वर्सेशन करनी है. जैसे आपको नॉलेज नहीं, उनको भी नहीं है. जो आप फील कर रहे हो जस्ट से इट आउट, बोल दें उनको उस टाइम. अगर आप फील हो रहा है कि उनकी टोन अग्रेसिव हो रही है, तो उनको बता दें कि आई थिंक आपकी टोन जो है वो ऊपर हो रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई थिंक वी शुड एंड अप. आई लैंग्वेज में समझा, आई थिंक कि आपकी टोन अग्रेसिव हो रही है, इस तरह से अगर आप बोलो. हाँ, होता है ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट एलिमेंट होता है, हमारा कल्चर ऐसा है कि एक रिस्पेक्ट एलिमेंट है, हम उसको वॉयलेट नहीं कर सकते. क्या कह सकते हैं उसको, एक ड्रॉबैक है हमारे कल्चर का, लाइक एक शॉर्ट कमिंग है, इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते. और ये रिस्पेक्ट के मामले में बात हो रही है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई ड्रॉ हम ये ब्लेम नहीं कर रहे कि इज्जत की वजह से ऐसा हो रहा है. स्टिल एटलीस्ट यू कैन ट्राई एंड कीप ऑन ट्राइंग, ट्राई ट्राई अगेन, एक टाइम आएगा कि वो समझ जाएंगे. आप उनको इस तरह से बता स्टार्ट कर सकते हो कि आई एम लर्निंग क्रूशल कन्वर्सेशन, तो आई रियली वॉन्ट कि मैं आपसे इस तरह से बात करूँ, इस तरह मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी. जब आप उनको ये मैसेज दे रहे होते हो कि आप एक स्किल सीख कर आए और उसको अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर इस तरह से वो भी थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे पेरेंट्स के. हाँ, तो इस तरह से अगर आप बात को लेकर चलें, बी ऑनेस्ट जो आपके दिल में है. अगर आपके दिल में ये है कि आप क्रूशल कन्वर्सेशन करना चाह रही हैं जस्ट बिकॉज आपने ये स्किल सीखा है, तो बता दें उनको कि मैंने ये स्किल आजकल सीखा है, या मैं इसके ऊपर पढ़ रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ, मैं नोट्स है मेरे पास, तो आई रियली वॉन्ट को हम इस चीज़ को हम प्रैक्टिस करें रियल लाइफ में, मैं आपके साथ करना चाहती हूँ. तो इस तरह से जब आप उनको कहते हैं ना, उन्हें समझ आ जाता है. इसमें ये है कि अपने आप को थोड़ा सा ये भी याद कराते रहना है कि जो खराबियाँ मैंने की हुई है ना, उसकी वजह से ट्रस्ट लूज़ हुआ है, उसकी वजह से बार बार पेरेंट्स की तरफ से पावर का एलिमेंट आ रहा होता है, और वो कह रहे थे कि नहीं, हमने तुम्हारी बड़ी मान के देख ली है, अब नहीं माननी हमने तुम्हारी, तुमने जो अपनी मनमानियाँ कर ली हुई, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स पेरेंट्स कहते हैं.
वो इसलिए बिकॉज उनका वो बहुत सेंसिटिव हुए होते हैं, उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ होता है और बहुत टाइम लगता है किसी का ट्रस्ट गेन करने में, इट टेक्स अ लॉट. तो प्रैक्टिस करते रहें, एफर्ट करते रहें, एक टाइम आएगा, हर चीज़ का फल होता है, तो वो आपको इस कन्वर्सेशन का भी फ्रूट मिल ही जाएगा एट दी एंड. बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऐसे जिनके पेरेंट्स अब उनके ऊपर टोटली फुली ट्रस्ट करते हैं, लाइक विदाउट एनी जजमेंट वो उनको फुली ट्रस्ट करते हैं, गेन किया है वो ट्रस्ट उन्होंने. टाइम लगता है इसमें, आसान चीज़ नहीं होती है. जो भी रास्ता अच्छा होता है ना, वो हमेशा मुश्किल होता है. हम ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रास्ता अच्छा ही चूज़ करना है और हो भी ये आसान, ऐसा नहीं होता. ये बहुत मुश्किल काम है ये. फिर आप रियलिटी में नहीं रह रहे हो, आप रियलिटी से दूर जा रहे हो. रियलिटी में रहें, जो चीज़ अच्छी है, जो प्रोडक्टिव है, वो मुश्किल भी है, उसमें थोड़े थोड़े आपको हार्डशिप्स भी मिलेंगे और विद टाइम आपको लेकर चलना पड़ेगा. अब रिस्की ऐसे है कि साइलेंट फ्यूमिंग हो रही है, दोनों ने अपने अंदर बात दबाई हुई है, दोनों अंदर ही अंदर से जल रहे हैं, दोनों पार्टीज, दोनों एंड से. वो भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों कह नहीं रहे जस्ट बिकॉज जो भी रीज़न के फ़ायदा नहीं है बात करने का. आई नो मैं बात करूँगा तो लड़ाई हो जाएगी, मतलब कॉन्वर्सेशन नहीं एंड होगी ना ऐसे. कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं हुई तो फिर एंड कैसे होगी? एग्जैक्टली. जब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा उनसे बातचीत करेंगे तो पुरानी बातें सबकॉन्शियसली दोबारा एंटर होंगी आपके माइंड में और आपको बताएंगे कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, अभी भी ऐसे ही हो रहा है. तो वो एक साइलेंट फ्यूमिंग होते हैं, अंदर ही अंदर आप जलते रहते हैं. इसका कोई हल नहीं है. इसका मतलब ये कि दोनों पार्टी साइलेंस में है. ठीक है, जो हमने जो दो फॉर्म्स पढ़ी थी, साइलेंस एंड वॉयलेंस, तो दोनों पार्टीज उसमें, तो एक ना एक को इनिशिएट करना पड़ेगा. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप यहाँ पे स्किल सीख रहे हैं क्रूशल कन्वर्सेशन का, राइट? तो आप अगर आप सीख रहे हैं तो आप इनिशिएट कर सकते हैं कन्वर्सेशन को एंड करने में या स्टार्ट करने में. क्रूशल कन्वर्सेशन होती ही ये तब है जब ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, जब दोनों पार्टीज़ के, अगर मैं भी उसी बात पे अग्री करती हूँ जिस बात पे आप अग्री करते हैं, तो हम तो दोनों हैप्पी हैं. अगर आपका एम डिफरेंट है दोनों पार्टीज़ का, आप कुछ और चाह रहे हैं लेकिन पार्टी कुछ और, दूसरी अगली पार्टी कुछ और चाह रही है, तभी तो क्रूशल कन्वर्सेशन आएगी. आपने इसका पहला प्रिंसिपल अप्लाई करना है, स्टार्ट विद हार्ट, कि आपने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर स्टार्ट करना है उस कॉन्वर्सेशन को. आपने अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं कि व्हाट डू आई वांट फॉर माय सेल्फ, मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ, मैं अगले बंदे से क्या चाहता हूँ और मैं इस रिलेशनशिप से क्या चाहता हूँ. तो आप ये पूछते हो, आप पहला प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप उस कॉन्वर्सेशन में आते हैं. डिसाइड हाउ टू डिसाइड, ये हमें कहता है कि जब हम एक हमने डायलॉग तो स्टार्ट कर दिया, हमने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया उस पूल में, हमने अपनी राय दे दी है, अब हमने करना है कि हमने ये डिसाइड करना है कि हमने डिसाइड कैसे करना है. थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये कि हमने ये सोचना है, हमने ये डिसाइड करना है मिलकर दोनों पार्टीज़ ने कि हमने डिसाइड क्या करना है या कैसे करना है या किसने करना है. वो क्वेश्चंस आप भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस हम एक दूसरे से पूछते हैं कि हाउ, व्हेन, हु, ये सब हम पूछते हैं, फिर हम एक फाइनल डिसीजन के, फाइनल वर्डिक्ट की तरफ आते हैं. ठीक है, क्योंकि जो डायलॉग होता है ना, इट्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड देन पुटिंग इट इन टू द मीनिंग. जो एक्चुअली जो आप मीनिंग में पुट कर रहे होते हैं ना, वो आपके डिसीजन से आता है. लेकिन डायलॉग सिर्फ तब आते हैं, या डायलॉग आप सिर्फ तब करते हैं जब आप एक कन्वर्सेशन में कर रहे होते हैं किसी के साथ. उस कन्वर्सेशन में कैसे कि आप एक इसका अपना ओपिनियन भी दे रहे होते हैं और अगले का ओपिनियन भी ले रहे होते हैं. शेयरिंग इन्फॉर्मेशन टू पूल डज नॉट मीन टेकिंग पार्ट डिसीजन मेकिंग, जो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आप अपना राय दे रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि आप डिसीजन मेक कर रहे हो या आप अपना पार्ट या अपना रोल प्ले कर रहे हो डिसीजन लेने में. जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने डायलॉग को सेपरेट करें फ्रॉम डिसीजन मेकिंग. हमें ये चीज़, अगर हम ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें कि अभी जो मैंने अपनी राय दी है, ये मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है, इसमें मैंने ये नहीं डिसाइड कर लिया खुद से ही कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टैंड्स की बात ले लेते हैं. फैमिलीज़ के साथ जब आप मीटिंग करते हैं तो आप अपना ओपिनियन देते हैं कि मैंने ये स्टैंड्स फॉलो नहीं करने, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि हाँ ऐसा ही होगा, ये डिसाइड हो चुका है क्योंकि मैंने फैमिली को बता दिया है या मैंने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया कि मैंने ये स्टैंड फॉलो नहीं करना, तो फैमिली खुद ही समझ जाए कि अब ऐसा ही होगा और ये डिसीजन मेरी तरफ से चला गया. बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ प्रॉपर डिसीजन, दैट इज़ एक्चुअली अ डायलॉग. वो एक आपने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है. आप उनको बता दें कि मैं आर्ग्यूमेंट में नहीं जा रही हूँ, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ सिर्फ, बिकॉज मैं एक ह्यूमन एंटिटी हूँ, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, एंड आई शुड गिव माई ओपिनियन बिकॉज ये बात मेरी लाइफ को लेकर हो रही है या इट्स रिलेटेड टू मी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपना ओपिनियन भी दूँ. आई नो अभी हम डिसाइड बाद में करेंगे कि होना क्या है, लेकिन मुझे आई थिंक मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि मैं अपना ओपिनियन दूँ. इस तरह से आप जब एक तरीके से ऑनेस्ट होके बहुत पोलाइटली, बहुत काम वे में जब आप बात करते हैं ना, तो वो कभी भी आर्ग्यूमेंट में एंड अप नहीं होती है कन्वर्सेशन. पेशेंस ऐसे करते हैं,
हाँ, क्योंकि वो ये समझ लेते हैं कि हमने जो अपना ओपिनियन दे दिया है ना, तो दैट मीन्स कि ये डिसीजन भी हो चुका है, यही हम चीज़ डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं होता, फैमिलीज भी कर रही होती हैं अक्सर औकात ऐसे, हम उनको मना करते हैं कि इस तरह नहीं करना। एक तो ये बात है कि आप ग्रुप में आकर डिस्कस कर लें, फैमिलीज भी और पेशेंट्स भी, लेकिन फैमिलीज ये ना कहें कि विलिंग वेज ही बताएगा कि तुम्हारे साथ क्या होना है। विलिंग वेज ने पावर फैमिलीज को दे दी होती है आउटडोर्स होने के बाद, फैमिलीज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एडवाइस के लिए वो विलिंग वेज को कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही कि हम कैसे करें या स्टैंड अपलिफ्ट करने हैं कि नहीं। कर रही हो, दोनों एंड से कर रही होती है, इसलिए तो प्रिकॉशनल कॉन्वर्सेशन हेल्दी नहीं होती है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता है उसका। हमें सिर्फ तब डिसाइड करना चाहिए व्हेन द लाइन ऑफ अथॉरिटी इज क्लियर। इसका क्या मतलब है? जब किसी के पास अथॉरिटी है, किन लोगों के पास यूजली अथॉरिटी होती है? CEOs, बैंक मैनेजर्स, लीडर्स, पेरेंट्स, सबसे ऊपर आ जाएंगे पेरेंट्स, अथॉरिटी होती है उनके पास, डिसाइड डिसीजन पावर उनके पास होती है, बिकॉज उनकी लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर होती है। पावर एट द एंड पेरेंट्स के पास ही होती है। हम आगे मेथड्स डिस्कस करेंगे कि जिन मेथड्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो और डिसीजन मेकर को चेंज कर सकते हो, ठीक है? हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स ग्रॉसरी जब लेने जाते हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि ग्रॉसरी उन्होंने नहीं लेनी है, या जो घर के काम करने हैं, बिलिंग वगैरह करनी है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स खुद से ये डिसाइड कर लेते हैं कि दे विल हैव टू पे द बिल्स, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड उनके पास अथॉरिटी है, वो लाइन ऑफ अथॉरिटी है। की पॉइंट हियर इज कि टॉक ओपनली अबाउट इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ अदर पार्टीज, ओपनली ऑनेस्ट होके और असर्टिव वे में अपना इंटरेस्ट भी बताएं, दूसरों के इंटरेस्ट को भी जानने की कोशिश करें। इस तरह से आप एक डिसीजन मेकिंग की तरफ प्रॉपरली आ सकते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। कुछ डिस्कस कर लेते हैं अब यहाँ पे। डिसीजन मेकिंग मेथड्स चार टाइप के होते हैं, फोर मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। फोर टाइप्स ऑफ डिसीजन हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा कि डिसीजन लेना कैसे है, हमने डायलॉग तो कर लिया है लेकिन हमें नहीं पता कि हमने डिसीजन कैसे लेना है, या डिसीजन पावर है किसके पास, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो उसमें हम ये फोर मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट इज कमांड। कमांड इज कि डिसीजन मेड मेथड दैट इज मेड विद नो इन्वॉल्वमेंट, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इट्स लाइक अ कमांड, इट्स लाइक एन ऑर्डर। ऑर्डर कमांड देती हैं कि यू हैव टू फॉलो दिस नो मैटर व्हाट स्टैंड्स, यस, वो कमांड भी आ जाएगा और नेक्स्ट जो है कंसल्ट उसमें भी आ जाएगा। थोड़ा बॉस अपने छुट्टी है तो नहीं मिल रही, दैट इज़ अ कमांड, वो डिसीजन उसका है। आपको पता है कि उनकी लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर है तो उन्होंने डिसाइड करना है। ये हम तब करते हैं, कमांड वाला मेथड हम तब यूज़ करते हैं, या तो एक तो हमें परवाह नहीं होती है, वी डोंट केयर कि अगला बंदा ने क्या डिसीजन करना है, या वी डोंट केयर कि इस कन्वर्सेशन से रिजल्ट मिलेगा। एक तो ये चीज़ की वजह से हम ये कमांड मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड हम तब यूज़ करते हैं कमांड मेथड कि जब हमें ये क्लियर हो कि मैं अगले बंदे पर टोटली ट्रस्ट करता हूँ। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायलॉग की, कन्वर्सेशन की, डिसीजन की अगले बंदे को दे देते हो या नेक्स्ट पार्टी को दे देते हो। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, सरेंडरेंस कह सकते हैं इसको। उसमें हम कंसल्ट की तरफ जा सकते हैं, जो नेक्स्ट डिसीजन मेथड है। अगर कमांड आपको लिए आपको नहीं लग रहा कि आपके लिए आप पैसिव हो रहे हो, बट उसमें फिर आप कंसेंसस की तरफ जाते हैं, जो लास्ट मेथड है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता है। तो कमांड समझ में आ गई है कि या तो आउटसाइड फोर्सेज अप्लाई कर रही होती हैं डिमांड्स हमारे ऊपर, या फिर हमारे जो डिसीजंस होते हैं वी टर्न डिसीजंस ओवर अदर्स एंड फॉलो देयर लीड। आउटसाइड फोर्सेस कैसे अप्लाई कर रही होती हैं अपने डिसीजंस हम पे? फॉर एग्जांपल, अगर आप सिग्नल तोड़ा है तो आपको चलान होगा, दैट इज़ अ डिसीजन, और वो एक आउटसाइड पार्टी, एक लॉ है,
जो कि आपको होगा उस पर यू आर हेल्पलेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. क्यों? बिकॉज आपको एक तो परवाह नहीं है. एक ऑप्शन ये हो सकती है कि यू डोंट केयर कि आप जितने मर्जी चलान आपके पास आएँ. नेक्स्ट जो मेथड है डिसीजन मेकिंग का, दैट इज़ कंसल्ट. कि आप कंसल्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे होता है, डिसीजन तो आप ही का होता है. लाइक डिसीजन आपने ही लेना होता है, दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी ने. लेकिन आप लोगों को मुश्किल पेश आ रही है डिसीजन करने में, या नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से डिसाइड करना है, तो उस केस में आप कंसल्ट करते हैं. आप अगले बंदे को किसी ऐसे पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं जो कि हाईली प्रोफेशनल होता है, जो एक एक्सपर्ट होता है, एंड देन वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. और इस तरीके से फिर आप उनकी वो आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन डिसाइड आप नहीं करना होता है. फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देता है वो एक्सटर्नल जो प्रोफेशनल है या एक्सपर्ट है. आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस वो जनरेट कर देते हैं कि येस यू कैन डिसाइड दिस आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, यू कैन डिसाइड दिस. मल्टीपल ऑप्शन जैसे कि विलिंग वेज, जैसे कि विलिंग वेज के काउंसलर्स हैं. कोई इशू होता है फैमिलीज और पेशेंट्स के बीच में तो दे कंसल्ट. ऐसा ही होता है क्योंकि डिसाइड नहीं हो रहा होता कि क्या करें. आप समझ में नहीं आ रहा था कि डिसीजन कैसे लें. क्रूशियल कॉन्वर्सेशन तो हो गई है बट समझ नहीं. डायलॉग तो कर लिया है, ओपिनियंस तो शेयर कर दिए, बट समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से डिसाइड करें कि फाइनल डिसीजन किसका होगा. फेल नहीं होगी अगर आप ये डिसीजन मेथड्स अप्लाई करेंगे तो. समटाइम्स होता है ऐसा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि डिसाइड क्या करें, तो उसी के लिए हेल्प करने के लिए दिस इज़ द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ क्रूशियल कॉन्वर्सेशन, जो कहता है कि आप कर लो कि किस तरह से आपने डिसाइड करना है. उसी को हेल्प करने के लिए कि क्रूशियल कॉन्वर्सेशन फेल ना हो, उस चीज़ को हेल्प करने के लिए ये चीज़ डेवलप की है. अगर एक बंदा इमोशनली नंब है ना, तो वो अच्छा है उस एक पॉइंट व्यू, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि वो बायसनेस नहीं आएगी उसमें. वो आपका भी नहीं सोचेगा और नेक्स्ट पार्टी का भी नहीं सोचेगा. वो एक फाइनल अपना जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों पार्टीज़ को देख के, आपकी सिनेरियो को देख के, नेक्स्ट पार्टी के सिनेरियो को देख के, फिर वो एक डिसीजन देंगे और वो बिल्कुल भी बायसनेस नहीं होगी उसमें. तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि अगर एक बंदा इमोशनली ना मैनेज से. हालांकि ऐसा नहीं होता, काउंसलर्स के भी इमोशंस होते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि उनके इमोशंस नहीं होते. कॉमन ग्राउंड मिड वे फाइंड किया जाता है काउंसलर्स की तरफ से, जो कि कंसल्टेंट होस्ट कह सकते हैं आप उनको. और इस तरह से एक डिसीजन, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन का डिसीजन आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगेन हम स्टैंड्स की बात ले लेते हैं. फैमिली मीटिंग होती है, फैमिली जो है वो अपने ग्रीन स्टैंड्स को बता देती है, पेशेंट्स जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं कि मैंने इस तरह से फॉलो नहीं करना है, जो भी है. अब फाइनल समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. डायलॉग तो कर दिया, अपना ओपिनियन तो शेयर कर दिया. वहीं पे काउंसलर्स बैठे होते हैं, फिर काउंसलर्स आपकी हेल्प करते हैं दोनों की, फैमिलीज़ की भी और पेशेंट्स की भी, कि किस तरह से जो है हमने कन्वर्सेशन को लेकर चलना है और कौन कौन से स्टैंड फॉलो होंगे. जो रेड स्टैंड होते हैं, जो कि विलिंग वेज की तरफ से होते हैं, दैट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ कंसल्टेंट मेथड. क्योंकि वो फैमिलीज़ को दे दिए जाते हैं, पेशेंट को भी दे दिए जाते हैं, उनको भी मिड ग्राउंड दे दिया जाता है कि आपने इनको फॉलो करना है. कंसल्ट में आपका डिसीजन तो आपने खुद देना होता है, यानी कि जो दो पार्टीज़ के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है ना, उनमें से किसी एक पार्टी ने मिलकर ही उस एक डिसीजन लेना होता है. लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो डिसीजन लिया नहीं जा रहा होता, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें. उस केस में आप कंसल्ट करते हैं. जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाते हैं. हमें नहीं समझ में आता क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस केस में हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं. हम उनसे कंसल्ट करते हैं कि आप क्या करें, एडवाइस ले लेते हैं. और वो एडवाइस यूजली किसी प्रोफेशनल की होती है या तो एक्सपर्ट की होती है. हाँ, वो तो रेफरेंस होता है कि आप रेफ़र कर देते हो, एक ही डॉक्टर अगले डॉक्टर को रेफ़र कर देता है. थर्ड इज़ वोट. वोट इज़ सो ईजी. वोट से क्या समझ आ रही है? बेस्ट मेथड. एग्जैक्टली, बहुत एफिशिएंसी रेट बहुत ज़्यादा होता है. एक बंदा मान रहा है, एक नहीं मान रहा है, उसका वोट नहीं है बट फिर भी वो दे रहा है अपना वोट. अनटिल अनलेस आप अपना हाथ नहीं खड़ा करेंगे ना कि आपका वोट नहीं है, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा. उसमें फिर हम कंसेंसस की तरफ आते हैं. उस पर फिर आप दोबारा कंसल्ट के, आपने वोट का और डिसीजन मेथड चूज़ किया, टाई ब्रेक हो गया, तो उसमें फिर आप कंसल्ट की तरफ जाएंगे. तो आप उस तरह से वो फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं. वोट की एफिशिएंसी रेट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ओपिनियंस बहुत ज़्यादा होते हैं, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया होता है. तो ये वोट का डिसीजन मेथड बहुत हेल्पफुल होता है. लास्ट इज़ कंसेंसस, जो कि मिस बुशरा अभी बता रही थी कि अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, नहीं मान रहा है एक बंदा, आप नहीं अप्लाई कर सकते कमांड, आप कंसल्ट नहीं अप्लाई कर सकते, आप वोट नहीं अप्लाई कर सकते, लास्ट में कंसेंसस अप्लाई करते हैं. कंसेंसस इज कि व्हेन अपोजिंग पार्टीज डू नॉट एग्री टू सपोर्ट द डिसीजन व्हिच इज़ टू बी मेड, तो उस केस में फिर कंसेंसस रिक्वायर्ड होता है. कि जब बिल्कुल, फॉर एग्जांपल फैमिली मेम्बर्स 5-6 हैं और एक पेशेंट है, और पेशेंट नहीं मान रहा एक बात, तो उसमें आप इनमें से तीनों में से कोई मेथड डिसीजन का यूज़ नहीं करोगे, उसमें आप कंसेंसस में आओगे. कंसेंसस को ना हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है और एक बहुत कर्स भी है. कि एक वेरी फ्रूटफुल ब्लेसिंग है कि सबका, सब ने ही मान लिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, या सब ने अपना ओपिनियन दिया है,
और एक फ्रस्ट्रेशन, एक कर्स, फ्रस्ट्रेटिंग कर्स भी है वो, इस तरह से कि बहुत मुश्किल होता है कंसेंसस जनरेट करना किसी का. इट्स वेरी टायरिंग, इट्स वेरी हार्ड, बहुत एफर्ट पुट होती है आपकी इसमें. लेकिन लास्ट रिजॉर्ट फिर इसमें हमारे पास कंसेंसस का ही आ जाता है, जो कि अगर तो कंसेंसस आ जाए, हम कंसेंसस के थ्रू डिसीजन ले लें, तो बहुत हेल्पफुल होता है. यूजली कंसेंसस का जो डिसीजन मेथड है ना, ये तब अप्लाई होता है जब बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशंस होती हैं, जब बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, तो उन केस में फिर हम कंसेंसस यूज़ करते हैं. जो छोटी मोटी कॉन्वर्सेशन होती होती वो भी क्रूशल है, लेकिन उनके रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता. लेकिन कंसेंसस तब यूज़ होता है जब रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. वो वोट नहीं हो जाएगा कि दोनों ही डिसाइड, दोनों ने वोट दे दिया है कि हाफ वे मीट करेंगे, दैट इज़ वोट ना, दे देंगे ना अपना वोट कि हम मिड वे डिसाइड कर लेते हैं, तो दैट इज़ अ वोट. ठीक है, वो वोटिंग का डिसीजन मेथड हो जाएगा. लास्टली जब हमने चूज़ किस तरह से करना है कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें हम ये अपने आप से और बाकी दूसरी पार्टी से क्वेश्चंस पूछते हैं, हु डज व्हाट बाय व्हेन एंड हाउ विल यू फॉलो अप. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब आपने वो जो चार हमने डिसीजन मेथड डिस्कस किए थे उनके थ्रू आपने डिसाइड कर लिया कि हम ये वाला डिसीजन मेथड यूज़ करेंगे. लेट्स से हम वोटिंग यूज़ करेंगे और वोटिंग के थ्रू हम एक फाइनल उस क्रूशियल कॉन्वर्सेशन के डिसीजन पर आएंगे. आपने वो डिसीजन आ गया, वो डिसाइड कर लिया कि हाँ इस चीज़ का, इस कॉन्वर्सेशन का डिसीजन ये होगा. लास्ट जो टास्क होगा वो आपका ये होगा कि आप क्वेश्चंस पूछेंगे खुद से भी कि कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किसने कौन सा पार्ट संभालना है, किसने क्या काम करना है और किस टाइम पे करना है. और फॉलो अप मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड कर लिया कि वोट के थ्रू आपने डिसाइड करना है, आपने कॉल कर दी एक दो दिन बाद पूछने के लिए कि हाँ फिर क्या डिसाइड हुआ, कौन क्या काम करेगा, दैट इज़ अ फॉलो अप. जैसे एक ट्रीटमेंट में फॉलो अप होता है, इसी तरह हमारे कन्वर्सेशन में भी फॉलो अप्स होते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारी आने वाली कन्वर्सेशंस को हेल्दी बनाने के लिए. कंसेंसस तब होता है जब कोई एक बंदा ना नहीं मान रहा होता बात, वो एग्री नहीं कर रहा होता डिसीजन से, बाकी सबकी राय होती है. फॉर एग्जाम्पल, छः लोग हैं, छः में से पाँच लोगों ने मान लिया कि ये डिसीजन होगा, लेकिन एक बंदा नहीं मान रहा, तो उस केस में हम कंसेंसस की तरफ जाते हैं कि उसका हमने ओपिनियन लेकर ही रहना होता है. लाइक उसको मनाना होता है, उसको लॉजिक इस तरह से देनी होती है कि आप मान लें, आपका कंसेंसस ज़रूरी है, आपका कंसेंसस नहीं होगा तो हम डिसीजन की तरफ नहीं जा सकेंगे. इसीलिए इसको फ्रस्ट्रेटिंग कर्स कहते हैं कि कर्स है, अगले बंदे को बहुत प्रेशराइज फील होता है. ये इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला, सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं, सारा किया धरा इन्हीं का तो है. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए,